मुझे पता चला है कि गुजरात में 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आ गया। आ गया ना? अरे गोपाल भाई तो आप तो कह रहे थे आ गया है, हमारा भी नहीं आया। इनके 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घरों में दो दो तीन तीन हजार बचत करके रखा हुआ था नोटबंदी करके, वो भी ले गए। ये इनकी हालत है। बैंक बेच दिए, जहाज बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, कुछ नहीं बेच, रेलवे स्टेशन बेच दिए, LIC बेच दी, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेचा है, सिर्फ एक चीज खरीदी है, मीडिया। ज्यादातर मीडिया, आप, मैं आपको हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, 7 बजे के बाद जो टीवी चैनल पर डिबेट आती है, या तो कोई टैबलेट ले लिया करो ताकि BP ना बढ़े, वरना ना ही सुना। क्या उसमें कभी कोई नौकरी की बात होती है? कभी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की बात होती है? कोई सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा की बात होती है? नहीं, बस सिर्फ धर्म की बात होती है, ये हो ये हो ये हो। वो हमारा मुद्दा नहीं है। जब से होश संभाला है, एक आदमी देखा है मैंने जिसने ये कहने की हिम्मत कर दी इलेक्शन से सिर्फ 1.5 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इलेक्शन से उस आदमी ने हिम्मत की उसको वो बात कहने की जिसके लिए जिगरा चाहिए। वो था अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा दिल्ली के इलेक्शन से पहले कि अगर मेरे 5 साल के पुराने काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना नहीं देना। 5 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, उसके आधार पे आगे वोट मांग रहे हैं। अभी एयरपोर्ट पे उतरे, पत्रकारों ने कहा जी बीजेपी कह रही है कि योगी जी ने 100 दिन में ये काम कर दिए, तो फिर इनके 27 साल कहां गए? इनके 27 साल कहां गए अगर योगी के गिनाने पड़ रहे हैं? कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ बातें। आजकल क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, अभी जुमला फैक्ट्रियों में नए नए जुमले बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं नए नए जुमले कि कौन से जुमले से लोगों की भावनाएं भड़केंगी, कौन से जुमले से लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, कौन से जुमले से एक दूसरे से इनको अलग किया जाएगा, कौन से जुमले से लोग नफरत फैलेगी। ये जुमले बन रहे हैं अभी पार्लियामेंट, उसमें इनकी फैक्ट्रियों में। सो इनके जुमलों से बचना, हम तो पंजाब में 6 महीने हुए हैं अभी, 6 महीने में हमने वो काम किए हैं जो इन्होंने 70 साल में नहीं किए, 6 महीने में हमने वो काम किए जो सरकारें जाती जाती आखिरी साल में करती हैं कि अब थोड़ी नौकरी दे दो। अभी हमें युवाओं के संवाद सम्मेलन से आ रहे हैं, वहां भी लोगों ने यही कहा कि जब इलेक्शन आती है तब नौकरियां निकलती हैं, नौकरी का इश्तिहार तब निकलता जब इलेक्शन आती है, वो वाली बात है ना। जंगल में जानवरों ने चुनाव कराने का फैसला किया कि डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में, भारत की तरह डेमोक्रेसी, शेर अपने आप राजा बन जाता है, इसको कौन बनाता है भाई? शेर भी इलेक्शन लड़ ले अगर ये जीत गया, ये बन जाएगा। तो जंगल में माहौल क्या था, इस कविता में छोटी सी सुनाने वाला हूं, उसमें कहीं भी देश का नाम नहीं है हमारे, लेकिन जो सुनता है वो देश में ही रहता है, वो सोचता ही ये है कि हाँ ये यहां भी यही होता है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने,
इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने, शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है लेकिन मेरा दिल आज हैरान पड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा मत करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना कि अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले बोर्ड डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उठा के ले जाती है ना उनको अपने पंजे में। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को भरोसा दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब पूरा इलेक्शन कंपेन करके दिन में शेर अपने घर जाता है, कहता है मेरी पत्नी शेरनी सारा जंगल घेरनी, क्या कर रही है शेरनी? तो शेरनी ने कहा शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर ने कहा रे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। ऐसा करते हैं ये हमारे साथ, ऐसे वादे करते हैं, उनके साथ भी वादे कर लेते हैं, हमारे साथ भी वादे कर लेते हैं और इलेक्शन के बाद ये खरगोश की तरह हमें खाते हैं फिर 5 साल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज़।